माय गुडनेस को फ्रीली सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए क्लिक कीजिए बेल आइकन पे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू ऑन सिट्रा स्पॉटलेस फेस क्रीम विद जापानीज ग्रीन टी। जैसे कि आप सब जानते हो कि आजकल हमें इन सिट्रा की क्रीम्स की एड बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है, तो आज मैं रिव्यू दूंगी इस स्पॉटलेस जापानीज ग्रीन टी के बारे में और ये भी शेयर करूंगी कि क्या जो ये क्रीम क्लेम करती हैं क्या वो सच में वर्क करते हैं या नहीं करते। और मैं आज आपके साथ ये भी शेयर करूंगी कि इस क्रीम को अप्लाई करने के बाद मुझे क्या बेनिफिट हुआ और क्यों मैं इस क्रीम को रिपर्चेज करूंगी। तो आज ये सारी बातें मैं शेयर करूंगी आज की इस वीडियो में, सो प्लीज गाइस लेट्स। सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि इसमें ऐसा क्या यूज किया गया है जो आपकी स्किन को ब्राइटर बनाता है। तो इसमें स्पेशली यूज किया गया है जापानीज की ग्रीन टी का। जैसे कि आप सब जानते हो कि ग्रीन टी हमारी स्किन के लिए काफी अच्छी मानी जाती है क्योंकि ये काम करती है एज ए एंटीऑक्सीडेंट का। और जो जापानीज की ग्रीन टी होती है उसमें सबसे ज्यादा आप कह सकते हो कि हाई अमाउंट में होता है एंटीऑक्सीडेंट जो आपके स्किन के कलर को, फेस के कॉम्प्लेक्शन को इंप्रूव करता है। सो यही रीजन है कि इस क्रीम को अप्लाई करने के बाद आपकी जो स्किन है, आपका जो फेस है, और ज्यादा ब्राइटर दिखना स्टार्ट हो जाता है। सो ये है सिट्रा स्पॉटलेस फेयर फेस क्रीम जापानीज ग्रीन टी स्पॉट रिडक्शन एंड ब्राइटनिंग। और ये है इसकी आउटर पैकेजिंग और क्वांटिटी है इसकी 50 ग्राम्स की और प्राइस है इसका 199 रुपीज़ और शेल्फ लाइफ है 2 ईयर्स की। और यहाँ पे सब कुछ पीछे इनग्रीडियंट्स में मेंशन किया कि इसमें कौन कौन से केमिकल्स का यूज़ किया गया, तो आप देख सकते हो इसमें काफ़ी पैराबेंस का भी यूज़ किया गया, तो आप नहीं कह सकते कि ये है एक केमिकल फ्री और पैराबेन फ्री क्रीम। और ये क्लेम करती है कि इट लाइटन डार्क स्पॉट, रिड्यूसेस ब्लेमिशेस, रिमूव डलनेस। सो ये 3 पॉइंट करती है ये सिट्रा की फेयरनेस क्रीम। तो अब मैं आपको खोल के दिखाऊंगी कि ये इसकी इनर पैकेजिंग कैसी है। तो ये आती है इस तरह से, ट्यूब की फॉर्म में आती है ये फेयरनेस क्रीम और पंप भी है साथ, जिसके कारण क्रीम को यूज़ करना बहुत ज़्यादा ईजी होता है। और अगर हम इसके टेक्सचर और कलर की बात करें तो इसका टेक्सचर बहुत ही ज़्यादा लाइट है, वाइट कलर की है ये क्रीम, ज़्यादा बिल्कुल भी ग्रीसी नहीं है, थिक नहीं है इसका टेक्सचर। और अब मैं इसको अपने फेस पे अप्लाई करके दिखाऊंगी, सो प्लीज़ गाइस कीप वॉचिंग। सो सबसे पहले मैं फेस की एक साइड पे एक अप्लाई करूंगी इस क्रीम को, जिससे आप इजीली डिफरेंस देख सकते हो कि इसको अप्लाई करने के बाद आपके फेस पे कितना डिफरेंस आता है। तो मैंने फेस पे कुछ नहीं अप्लाई किया, वो डायरेक्ट इस क्रीम का ही यूज़ कर रही हूँ, जस्ट फेस को क्लीन किया वो फेस वॉश से। और आपने इस तरह से लिटिल अमाउंट में लेनी है ये क्रीम अपनी फिंगर टिप्स पे और इसको कर देना है इस तरह से स्प्रेड, आपने मसाज नहीं करनी, जस्ट स्प्रेड करना है, तो ये क्विकली आपकी स्किन पे हो जाती है ये एब्जॉर्ब। तो आप देख सकते हो मेरे दोनों साइड में डिफरेंस, तो आप कह सकते हो कि एक टोन आपकी स्किन थोड़ी सी लाइट लगती है इस क्रीम को अप्लाई करने के बाद। तो मैं फेस की दूसरी साइड पे भी अप्लाई करूंगी इस क्रीम को। और अगर हम बात करें इसके टेक्सचर की, ये बहुत ज़्यादा लाइट इन वेट है और ये है एक नॉन स्टिकी नॉन ग्रीसी क्रीम। और अगर हम इसकी स्मेल की बात करें तो इसकी स्मेल प्योर आती है, टी की स्मेल आती है, जैसे कि आप कोई सी टी बैग का यूज़ कर रहे हो, ग्रीन टी का यूज़ कर रहे हो, इसकी स्मेल है प्योर ग्रीन टी की जो अप्लाई करने के बाद चले जाती है। तो ये है इस क्रीम का रिजल्ट अप्लाई करने के बाद। सो नाउ लेट्स डिस्कवर व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दिस क्रीम। सो इसका फर्स्ट मेजर बेनिफिट है इसका टेक्सचर, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा लाइट इन वेट है, तो आपको बिल्कुल फील नहीं होता कि हमने फेस पे किसी फेस क्रीम को अप्लाई किया हुआ है। और इसका नेक्स्ट बेनिफिट ये है कि ये है एक नॉन ग्रीसी और नॉन स्टिकी क्रीम, जिसके कारण आपको स्वेट की प्रॉब्लम बिल्कुल भी फेस नहीं करनी पड़ती। तो समर्स के लिए भी आप कह सकते हो कि आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है ये सिट्रा की क्रीम का। और नेक्स्ट बेनिफिट उन लोगों के लिए जिनकी है ऑयली स्किन, क्योंकि ऑयली स्किन वालों को सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है स्वेट की। वो किसी भी प्रोडक्ट का यूज़ करें अपने फेस पे, उनको बाद में अपने फेस पे स्वेट की प्रॉब्लम, ऑयल की प्रॉब्लम फेस जरूर करनी पड़ती है। तो ऑयली स्किन वालों को मैं डेफिनेटली सजेस्ट करती हूं कि आप इन सिट्रा की क्रीम को जरूर ट्राई करें। और इसका लास्ट मेजर एडवांटेज ये है कि ये आपको देती है मैट लुक, आपकी स्किन को ब्राइटर भी बनाती है बट देती है मैट लुक। सो हम बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में। सो इसका फर्स्ट मेजर डिसएडवांटेज ये है कि इट हैज नो एसपीएफ। सो इस क्रीम को अप्लाई करने से पहले आपको सेपरेट सनस्क्रीन जरूर अप्लाई करना पड़ेगा। और इसका नेक्स्ट मेजर डिसएडवांटेज उन लोगों के लिए जिनकी है ड्राई स्किन, क्योंकि इस क्रीम को अप्लाई करने
के बाद आपको मिलता है मैट लुक। तो ड्राई स्किन वाले अगर इस क्रीम का यूज करेंगे तो ये क्रीम आपकी स्किन को और ज्यादा ड्राई बना देगी, तो मैं ड्राई स्किन वालों को ये क्रीम सजेस्ट नहीं करती। और जिन लोगों की स्किन नॉर्मल भी है, कॉम्बिनेशन भी है, तो उनको भी इस क्रीम को यूज करने से पहले अपने फेस पे अच्छी तरह से मॉइस्चराइज जरूर अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्रीम आपकी स्किन को ना तो हाइड्रेट करती है और ना ही आपके लिए एज ए मॉइस्चराइजर का काम करती है। तो आप कह सकते हो ये है इसका एक मेजर डिसएडवांटेज। और इसका लास्ट मेजर डिसएडवांटेज ये है कि ये आपके डार्क स्पॉट्स को ना तो हाइड करती है और ना ही आपके डार्क स्पॉट्स को रिड्यूस करती है, जैसे ये क्लेम करते हैं कि ये आपके डार्क स्पॉट्स को रिड्यूस करती है। बट मैंने जब इसका यूज किया, तो मैं लास्ट 20 डेज से इस क्रीम का यूज कर रही हूं, तो मुझे ऐसा कोई रिजल्ट नहीं मिला कि मेरे डार्क स्पॉट्स रिड्यूस होना स्टार्ट हो गए हैं, कम हो गए हैं। तो आप कह सकते हो कि जो इसका क्लेम है वो वर्क नहीं करता। सो ये है इस सिट्रा फेस क्रीम के डिसएडवांटेज। सो मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि इस क्रीम को अप्लाई करने के बाद मुझे क्या बेनिफिट हुआ और क्यों मैं इस क्रीम को फिर से परचेज करना चाहूंगी। क्योंकि अक्सर जब भी मैं इवनिंग को वॉक के लिए जाती थी, तो उस टाइम पे मुझे ऐसी क्रीम चाहिए होती थी जो हो नॉन ग्रीसी और जिसको अप्लाई करने के बाद आपको स्वेट की प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े, बट आपका जो फेस है वो ब्राइटर भी दिखे। तो डेफिनेटली इस क्रीम को जब मैंने अप्लाई करना स्टार्ट किया, जब भी मैं इस क्रीम को अप्लाई करके जाती थी वॉक करने के लिए, तो मैं जब वापस आती थी तो देखती थी मुझे कोई भी स्वेट की प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ी। जस्ट आप देख सकते हो रिजल्ट आपके सामने, मुझे अपर लिप्स पे ही हल्का हल्का स्वेट आता था, बट मेरा फेस ब्राइटर दिखता था और मेरे फेस पे कोई भी मुझे स्वेट की प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ती। तो ये मुझे मेजर बेनिफिट हुआ इस क्रीम को यूज करने के बाद। तो यही रीजन है मैं इस क्रीम को फिर से रिपर्चेस करूं। गाइस, अगर मैं इसके रिजल्ट के बारे में बात करूं, तो आप कह सकते हो ये है एक अफोर्डेबल लाइट वेट क्रीम, तो डेली रूटीन में आप इस क्रीम का यूज कर सकते हो। सो जो लोग चाहते हैं कि हमें कोई कवरेज नहीं चाहिए, जस्ट हमें चाहिए कि हमारी स्किन ब्राइटर दिखे, तो आप डेफिनेटली इस सिट्रा की क्रीम को जरूर ट्राई करें। और ये थी मेरी आज की वीडियो इस सिट्रा की स्पॉटलेस फेस क्रीम के ऊपर। एंड आई होप गाइस यू लाइक दिस वीडियो, देन प्लीज गाइस डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।